दीपिका पल्लिकल जो कि इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर है वो एक बार नेदरलैंड गई थी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए और वहां पर उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन किया यानी कि कुछ बाय किया और उनके एक्सिस बैंक के जो डेबिट कार्ड से उनसे वो पेमेंट करने गई लेकिन काफी दिक्कतों के बावजूद वो एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से वो पेमेंट नहीं कर पाई और उसके कारण वहां पर उनको जो है खराब फील हुआ और बेइज्जती थोड़ी झेलनी पड़ी और काफी कुछ उन्हें एम्बैरेसिंग भी फील हुआ। इस पर एक्सिस बैंक ने ये कहा कि ये एक टेक्निकल एरर है, ये एक अप्रत्याशित घटना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने जब इंडिया वापिस आई तब उन्होंने एक्सिस बैंक के ऊपर 10 लाख का मेंटल हैरेसमेंट और जो है वो दूसरे रीजन के आधार पर वो केस कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। इसके साथ साथ उनके पास दूसरा भी ऐसा हो कि गवर्नमेंट के अवार्ड के तौर पर उनको एक चेक मिला था जो कि 1 लाख रुपए का था, उसमें भी एक्सिस बैंक ने एक टेक्निकल एरर बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसमें भी उन्होंने जो है मानसिक हैरेसमेंट और मानहानि के आधार पर उन्होंने एक कंज्यूमर कोर्ट में जो है केस फाइल कर दिया था और फाइल कर दिया। उसके बाद उनको जो है वो केस जीत गई और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे ही बैंक ऐसा नहीं कह सकती है और उन्हें 5 लाख रुपए तक का जो कंपनसेशन भी दिया गया और साथ ही साथ 5,000 रुपए जो है एक्सपेंसेस के लिए भी उनको दिए गए। यानी कि अगर किसी कारणवश आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं और किसी कारणवश बैंक ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता तो बैंक ऐसा नहीं कह सकती कि ये टेक्निकल एरर है या फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये जवाब नहीं हो सकता। कार्ड उनका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही बनती है।